हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वक्त आपके आसपास कुछ ऐसी अदृश्य विलुप्त शक्तियां या ताकतें मंडरा रही हैं जो आपको कुछ कहना चाहती है, आपको सचेत करना चाहती है, आपको कोई ब्लेसिंग्स देना चाहती है या किसी तरह का वार्निंग देना चाहती है। जब भी शक्ति आपके आसपास बहुत मंडरा रही हो, आपको उनके होने का आभास होने लग ही जाता है। आपको लगता है कुछ है जो आपसे कुछ कहना चाह रहा है। आपकी नींद अचानक से खुल जाना, ऐसा लगना कि जैसे आप शायद ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, कुछ ऐसी अजीब अजीब फीलिंग्स आती है आपको नींद में या जाते हुए भी किसी के होने का आभास होता है अपने आसपास, क्योंकि ये अदृश्य जो शक्तियां हैं ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं। ये डायरेक्टली तो आपसे फ्रेंड्स बात नहीं कर सकते, तो ये किसी तरह के साइन से, किसी तरह के सिग्नल से आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, जो आपके लिए आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर आप इन पर गौर करें। अगर आप इन्हें इग्नोर करेंगे तो बाद में आप या तो पछताएंगे या ये जरूर सोचेंगे काश मैंने उस वक्त इनकी बातों को या इनके सिग्नल्स को समझ लिया होता। आइए समझते हैं ये शक्तियां आपको क्या बताना चाहती हैं, आपसे क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये कुछ बता रही हैं आपको, ये देखो ये शक्तियां क्या होती हैं। आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके पूर्वज हो सकते हैं। कई मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने एक दो बार ये बात लिखी है, ये कैसे पॉसिबल है जीते जी ये लोग हमें तंग करते हैं और मरने के बाद ही हमारे भलाई चाहने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, जो जीते जी आपको तंग करते हैं वो मरने के बाद भी आपकी भलाई चाहते ही नहीं। ये ऐसे पूर्वजों की बात हम कर ही नहीं रहे, हम उन शुद्ध आत्माओं की बात कर रहे हैं जो जन्मों जन्म से आपकी फैमिली से जुड़े हुए होते हैं, जो आपकी फैमिली को किसी ना किसी से बहुत प्यार करते रहे और ये प्यार पीढ़ी दर पीढ़ी उनका रहता ही है आपके लिए। वो तो असीम है, वो शक्तियों की तो कोई गिनती नहीं है। गिनती आपकी हो सकती है, आप आज हैं कल नहीं, पर जब आप कल नहीं रहेंगे आप डायरेक्टली उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते जो जिनसे आप प्यार करते हैं, तो इनडायरेक्टली आप उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ आपको ये सिग्नल दिया जा रहा है कि आपका जो मतलब आपकी फैमिली के बारे में कोई एक ऐसा भेद है जो आपने किसी को बता के रखा था, ये सोचकर कि ये भेद हमेशा भेद ही रहेगा। लेकिन ये जो फैमिली है, ये जो लोग हैं जिनको आपने अपनी कुछ गुप्त रहस्यमय बातें बताई थी, ये जा जाके ऐसे लोगों के घर में कर रहे हैं बातें जहां शायद आपका कोई रिश्ता जुड़ने वाला है या जुड़ चुका है, ये रिश्ते को खराब करने की कोशिश करने में लगे हैं, आपकी किसी रिश्तेदारी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एट ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून और इस तरफ है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और नीचे है हैंगमैन। तो ये कनिंग है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही चालाक लोग हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, आप देखें स्वॉर्ड एनर्जी मतलब काट देने की, खराब कर देने की कितनी स्ट्रांग आ रही है। मतलब ये आपका किसी से रिलेशन या आपकी आपके खुद का पारिवारिक जो रिलेशन है किसी से उसको बिगाड़ रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं उनकी शादियों को तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी शादियों में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो ये लोग कर रहे हैं और आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आपको इस सिग्नल को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब आपको पता चल जाता है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो सामने वाली पार्टी आपसे कुछ तो पूछेगी, कुछ तो आपसे जवाब मांगेगी, तब आपको बहुत ही आराम से और शांति से उनके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करना है। तो ये आपको जब एहसास दिलाते हैं ना कि ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं आपको डर जाना है, इसका मतलब आपको संभल जाना है, केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। और जब ये बात वापस उठेगी, क्योंकि जब कोई झूठी बातें फैलाता है, खैर ये झूठी बातें तो मैं नहीं कहूंगी फैला रहे, कोई आपकी फैमिली का भेद ऐसा है जो ये ऐसी जगह पे जाके बता रहे हैं जहां से आपको फिर नुकसान उठाना पड़े, तो जब आपको लगता है कि ये भेद खुल गया है और वो जान गए, तब उसको छिपाने की कोशिश ना करें, पर उसको इस तरह से बताने की कोशिश करें कि वो आपकी ताकत लगे। बस आपको इतना करना है। आपको ये मैसेज आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं कि आप तब छिपाना मत कि नहीं नहीं आपको जो पता चला है वो झूठ है, क्योंकि वो झूठ नहीं है, वो रहस्य है जो आपने बताना गवारा नहीं किया किसी को। किसी को पता है, किसी को आपने बताया, वो जाके अब आपसे धोखा कर रहे हैं। तो आपको इस बात को घुमा लेना है और अच्छी तरह से करना है, छुपाना नहीं है, संभालना है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आपके लिए आया है। बहुत जल्द आपकी फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन होने वाले हैं, थ्री ऑफ कप्स,
कोई बहुत अच्छा ओकेजन आएगा, बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन होगा, जो भी गिले शिकवे हैं आपके किसी से वो दूर हो जाएंगे, और जब गिले शिकवे दूर होते हैं तो हम उस चीज को सेलिब्रेट तो करते ही हैं। इमोशन फाइनेंशियल, अभी आपको कोई इतना नहीं, एक आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल फायदा होगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पेंटिकल्स, कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आपको इमोशनल और फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा बेहतर महसूस होगा आने वाले कुछ समय में। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं किसी बात को लेके, तो जरूर सॉल्व हो जाएगा आपका मसला। अगर आप फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब हैं, आपको लगता है पैसे की किल्लत है, पैसे की तंगी है आपकी लाइफ में, तो वो भी दूर हो ही जाएगी आने वाले वक्त में, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड जैसे कि आया है। तो फ्रेंड्स, आपको एक्शन वन, ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, कि आपको ऐसी जब खबर मिले कि आपका दिल टूट जाए अगर वो सुनकर, तो आपको अपने दिल को संभाल कर रखना है। जब आपको पहले से इसका आभास हो जाता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप सिचुएशन को संभालने के काबिल हो ही जाते हैं। तो जो भी भेद है, सबसे बड़ी बात आज यही आई है कि ऐसा कोई भेद कोई किसी को बता रहा है आपकी फैमिली के बारे में, जिससे आपको आगे जाके शॉक लग सकता है, क्योंकि वो लोग आके आपसे सवाल तलब करेंगे, तब आपको बिल्कुल डरना नहीं है। हाई प्रीस्ट का कार्ड है, अपने संयम में रहिए, अपनी मैच्योरिटी को मत जाने दीजिए, और जो लोग ये भेदभाव जो कर रहे हैं, जो भेद का इधर उधर जाके बता रहे हैं, इनको भी इनकी नजर में आप उजागर कीजिए, कि ये लोग अगर आपको हमारे भेद बता सकते, कल को आपके भेद भी ये हमें बता सकते, इसलिए इनकी बातों में ना आए। जब आप इस तरह से क्लियरली बात करेंगे, तो बहुत कुछ संभलने की संभावना है। आइए देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं आज। जो टॉपिक होता है रीडिंग का, ये मैसेज उसी से रिजोनेट होते हैं। मदर, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, माँ जैसी, बहन जैसी, या सास जैसी, या ननन जैसी, या भाभी जैसी, साली जैसी, कुछ भी, ये देवरानी, जेठानी, मतलब कोई है जो आपकी लाइफ में, जो हम कह रहे हैं कि आपकी लाइफ के कुछ भेद है जो ये दूसरों को बता रहे, ये पॉसिबिलिटी है कि ये लोग ही ऐसा कर रहे हैं। अब मदर सिस्टर नहीं होगी तो मदर इन लॉ होगी, सिस्टर इन लॉ होगी, वो नहीं तो माँ जैसी कोई पड़ोसन हो सकती है, रिश्तेदार, कुछ भी, आपको ये खुद समझना होगा। 38, 46, 64 मंडे आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। योर हाई वाइब्रेशंस आर अनमैचेबल, आपके जो हाई वाइब्रेशन है, आपके अंदर जो ऑरा है, वो इतनी प्योर है, इतनी स्ट्रांग है, कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ब्रह्मांड है, वो आपको किसी ना किसी तरह से संकेत देते हैं। देखिए, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, ये मत सोचिए हर इंसान का कोई ना कोई पूर्वज उसको प्यार करता है, उसकी रक्षा करता है, ऐसा नहीं होता। आप जब रीडिंग देखते ना, अब ये रीडिंग जिसने नहीं देखी, शायद उसके साथ ऐसा नहीं होगा, उसको प्यार करने वाला कोई पूर्वज होगा ही नहीं, पर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली कोई है जो आपको ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी हाई वाइब्रेशन से कोई तुलनीय कोई है ही नहीं आपके साथ। जून दिसंबर आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। कीप ड्रीमिंग, दे विल मैनिफेस्ट, जो सपना आप देख रहे हैं, देखकर आपको लगता है शायद अभी पता नहीं सच होगा कि नहीं, ऐसा मत सोचिए, आप ऐसा सोचिए ये सच होगा ही होगा, क्योंकि मुझ पर ब्रह्मांड का, मुझ पर मेरे एंसेस्टर्स की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। सितंबर दिसंबर आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, किसी भी तरह से, बर्थडे का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दे आर डूइंग तावीज एंड मंत्रस टू गेट यू बैक, कोई आपकी कहते ना, आपसे रिलेशन इनका टूट चुका है, क्योंकि आपको लगा होगा ये आपके लिए सही नहीं है, इसलिए भी आपने तोड़ा हो सकता है, या ये, क्योंकि जब कोई मंत्र और तावीज करता है ना रिलेशन ठीक करने के लिए, मैं आमतौर पर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती हूँ पर्सनल लेवल पे, क्योंकि अगर इनको रिलेशन ठीक करना है तो बिल बैठ के बात करनी चाहिए, आपसे माफी मांगनी चाहिए अगर कोई गलती की है, या आपकी जो दुविधा है उसको दूर करना चाहिए। लेकिन अगर ये मंत्र और तावीज कर रहे हैं आपको, आपसे रिलेशन जोड़ने के लिए, नेगेटिव ही है, इनसे दूर ही रहिए। जो भी है, ये कोई है जो ऐसी कोशिश में लगे हुए हैं। समवन वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू, ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां हो सकती है जो आपकी रक्षा करना चाहती है और कर भी रही है, तभी आपको रीडिंग के जरिए, किसी सिग्नल के जरिए आपको बहुत कुछ समझाते रहते हैं। LPZ अप्रैल ट्यूसडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, या उनकी लाइफ के जो आपकी रक्षा करने में लगे हुए हैं।
Someone is blocking your throat and heart chakra. Be careful. कोई चाहता है आपका थ्रोट ताकि आप कुछ कह ना सके, आप जो भी महसूस करें बस घुट घुट के उसको बर्दाश्त कर ले। और आपका हार्ट चक्र, अगर आप कुछ कहेंगे नहीं तो आपका हार्ट चक्र वीक होगा ही, इसलिए जब दिल में आता है ना कि मुझे कुछ कहना है तो कह दीजिए। हाँ, शब्दों का चयन सही कीजिए, आपकी जो भी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस जरूर कीजिए। गुस्सा है, किसी बात का बुरा लगा है तो जरूर कीजिए, बस शब्दों का चयन आप सही कीजिए। 6 अक्टूबर नवंबर आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं जो आपकी एनर्जीज को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक थ्रू फूड एंड क्लोथ्स, आपके कपड़ों के जरिए, आपके खाने के जरिए कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं। जेमिनी स्कॉर्पियो 9 वेडनेसडे आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के फुल ऑन चांसेस हैं। थोड़ा समय दो, सब ठीक होगा। किसी कोई आपका एंसेस्टर या ब्रह्मांड आपको मैसेज दे रहे हैं, थोड़ा समय दो, जो कुछ बिगड़ा है ना सब ठीक होने लगेगा। बस आप अपना बिलीफ है ना इनके ऊपर से कभी डगमगाने मत देना। मई अगस्त लिब्रा आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं एज पर दिस कार्ड। कहते ना घर का भेदी ही लंका ढाता है हमेशा। गॉड इज हियरिंग यू, टॉक टू हिम। ऊपर वाला आपको सुन रहा है, ब्रह्मांड आपकी सुन रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स पूर्वज आपकी सुन रहे हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो कहना उनसे कहिए, बंद कमरे में बैठ के रो लीजिए, फूट फूट के रोइए, जो आपके दिल में गुबार है उसे निकालिए, इनसे बात कीजिए, ये जरूर सुनेंगे और आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। दोज हु ट्राई टू हार्म यू विल फेस योर एंजल्स रथ। जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आपके एंजल्स उनको बहुत ही बुरी सजा देने वाले हैं। 2-7-42 थर्सडे आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस हैं। बहुत अच्छे मैसेजेस फ्रेंड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं और आपको इन पर बहुत गौर करना चाहिए। दे हैव बॉट अ न्यू व्हीकल रिसेंटली। किसी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं क्या यही वो पर्सन है जिसने ऐसा किया है या नहीं, ऐसा संशय अगर आपको किसी के लिए है तो ये पर्सन ने अभी अभी कोई नया व्हीकल खरीदा है, गाड़ी स्कूटी कुछ भी हो सकता है, बड़ा व्हीकल भी हो सकता है छोटा भी। दे फाइंड यू वेरी सेक्सी। कोई है जो आपसे बहुत ही आकर्षित है, आपकी कामुकता से बहुत आकर्षित है, आपसे सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इस पर्सन को। एरिस स्पाइसेस लिब्रा हो सकते हैं या तो ये या आप। समवन इज प्रेग्नेंट ऑन योर साइड और देयर साइड। किसी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं क्या ये वही लेडी है जिसने ये किया है या नहीं किया है, तो ये आपकी साइड से या किसी और की साइड से है, पर ये प्रेग्नेंट है, ये सबसे बड़ी पहचान है। हो सकता है इनिशियल स्टेज हो प्रेगनेंसी का, आपको ना पता हो या पता हो तो ये प्रेग्नेंट है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर प्राइवेसी। अपनी प्राइवेसी के लिए बहुत केयरफुल रहिए। कौन आपसे क्या निकलवाता है बातें, किसको आप क्या बताते हैं, क्या अपनी चीजें शेयर करते हैं, इन सब चीजों के लिए बहुत केयरफुल रहिए। अपने प्लान्स किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या करना चाहते हैं। 7-68-45 आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। प्रोटेक्ट योर क्राउन चक्र या स्पिरिचुअल कनेक्शन। कोई है जो आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन को कमजोर कर रहा है। कुछ होते हैं जो आपको बार बार जब आप तकलीफ में होते हैं ना एक ही बात बोलते रहते हैं, देखो मैं तो कहता हूँ, मैं तो कहती हूँ भगवान होते ही नहीं, एंसेस्टर्स तो आपकी केयर करते ही नहीं, ये आपकी परवाह करते ही नहीं। कभी इनकी बातों में मत आना। जो आपके लिए, जिसने आपको अब तक खड़ा रखा है इतनी मुसीबतों में, इतनी टेंशन के बाद अगर आपको अपने कदमों पे खड़ा रखा है तो कोई शक्ति तो है अदृश्य जो आपकी मदद करती है। अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन उनसे कभी मत टूटने देना। 67 EAC पाइसिस आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। 2-3 कार्ड्स फ्रेंड्स और निकालकर रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। समवन वांट्स टू सी यू राइज हाई इन लाइफ। कोई चाहता है आपको ऊपर उठते हुए देखना, आपको तरक्की करते हुए देखना। 60-75-8 संडे आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं जो आपके बहुत जबरदस्त वेलविशर हैं। आपका, आपके पूर्वज आपके दुश्मनों को कभी माफ नहीं करेंगे। देखिए फिर से रिपीट हुआ मैसेज, आपके जो पूर्वज हैं आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखेंगे, आपकी केयर करेंगे, और जो आपसे दुश्मनी रखते हैं उनको बहुत बुरा मजा चखाएंगे, देखते रहिए आप।
देर इज सम प्लानिंग गोइंग ऑन इन देयर माइंड अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ इनके माइंड में कोई ना कोई प्लानिंग चलती ही रहती है। ये वही है जो आपके घर के भेद दूसरों को बता रहे हैं, मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ जो निकल कर आया था, बहुत हद तक ये चांसेस है ये वही पर्सन हो। यू हैव अ नोटिसेबल पर्सनैलिटी, आपकी ऑरा आपकी एनर्जी आपकी पर्सनैलिटी बहुत नोटिसेबल है, ये मैसेज आया है और इसके लिए आपके पूर्वज आप पे बहुत ही प्राउड फील करते हैं। Someone is doing black magic on you and your loved ones. आपके प्यार करने वालों को चाहने वालों को और आपके ऊपर कोई है जो कॉन्स्टेंट ब्लैक मैजिक करते रहते हैं, लेकिन ये विफल हो जाते हैं क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ऊपर वाले से बहुत स्ट्रांग है और ये उसे काट देता है। अगस्त जनवरी 15 आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फ्रेंड सिस्टर नेबर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, चलिए एक और आया है जो मदर इन लॉ आया था सिस्टर इन लॉ, सिस्टर रिपीट हुआ है। फ्रेंड सिस्टर नेबर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, वही जिम्मेदार है जिसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम है अगर आपको शक है क्या ये वो हो सकता है तो ये फ्रेंड सिस्टर या नेबर, और सिस्टर देखिए दो बार रिपीट हुआ है। उनको आपके मिलने वाले प्यार से जलन होती है, कोई है जिसको आपको मिलने वाले रिस्पेक्ट से प्यार से बहुत ही जेलसी फील होती है, लेकिन ये आपका मसला नहीं है, उनका मसला है, उन्हें जो फील होता है होने दीजिए। फ्रेंड कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि कौन कौन सी बातें आपको रिजोनेट हुई और क्या ये आप जो भी नाम या रिश्ते निकल कर आए हैं आपको इनमें से किस पर शक है, डेफिनेटली मेंशन कीजिए। और ऐसा क्या भेद है, मैं ये तो नहीं कहती आप अपना भेद क्लियरली लिखें, लेकिन क्या सच में कोई भेद है ऐसा जो आपकी फैमिली का है और आपको इस बात से ऑब्जेक्शन है कि कोई इसे किसी को ना बताए लेकिन फिर भी बताया जा रहा है, डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन कीजिए। और फ्रेंड्स आज का एफर्मेशन है, आई बिलीव इन माई एंसेस्टर्स एंड यूनिवर्स, मैं अपने पूर्वजों पे और ब्रह्मांड पे भरपूर भरोसा रखता हूँ या रखती हूँ, या आई क्लेम दिस रीडिंग या एनर्जी या छोटा सा यस, देखिए कैसे ये आप एक्टिवेट हो जाते हैं और आपकी रक्षा करने के लिए ये बोलते ना कटिबद्ध हो जाते हैं, उनको करना ही पड़ता है जब आप इन पे ट्रस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब जरूर एफर्मेशन लिखिए, और यस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, तो आपको मुझे जीमेल करना है, मेरा जीमेल एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारी डिटेल्स वही डिस्कस होंगी, फीस के बारे में जो भी है, फोन नंबर कैसे एक्सचेंज करने, सब कुछ वहां डिस्कस होगा। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मथुरा, बाय बाय।